इस तरह पति की सेवा करने पर पत्नी को होती है परम मोक्ष की प्राप्ति। शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव पार्वती की विवाह प्रसंग में पतिव्रता स्त्रियों के लिए कई जरूरी नियम बताए हैं। ये नियम देवी पार्वती को एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी ने विदाई के समय बताए थे। व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान समय में इन नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है। ये नियम इस प्रकार हैं। नंबर एक, पति बूढ़ा हो या रोगी हो गया हो तो भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने पति की गुप्त बात किसी को नहीं बताना चाहिए। नंबर दो, पति के बुलाने पर तुरंत उसके पास जाना चाहिए और पति जो आदेश दे उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को घर के दरवाजे पर अधिक देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। नंबर तीन, पतिव्रता स्त्री को अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। पति के बिना मेले उत्सव आदि में भी नहीं जाना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास भी नहीं करना चाहिए। नंबर चार, पतिव्रता स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक घर के सभी कार्य करना चाहिए। अधिक खर्च किए बिना ही परिवार का पालन पोषण ठीक से करना चाहिए। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गाय व भिक्षुक के लिए अन्न का भाग दिए बिना स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर पाँच, धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री को अपने पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। पति के सोने के बाद ही सोना चाहिए और जागने से पहले जाग जाना चाहिए। नंबर छः, पतिव्रता स्त्री को ऐसा काम करना चाहिए जिससे पति का मन प्रसन्न रहे। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पति के मन में विषाद उत्पन्न हो। नंबर सात, पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को हल्दी, रौली, सिंदूर, काजल, मांगलिक आभूषण, केसों को सवारना, हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। यानी पति की प्रसन्नता के लिए सज संवर कर रहना चाहिए। नंबर आठ, यदि घर में किसी वस्तु की आवश्यकता आ पड़े तो अचानक से ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि पहले अपने मधुर वचनों से उसे पति को प्रसन्न करना चाहिए, उसके बाद ही उस वस्तु के बारे में बताना चाहिए। नंबर नौ, जो स्त्री अपने पति को बाहर से आते देख अन्न जल आदि से उसकी सेवा करती है, मीठे वचन बोलती है, वह तीनों लोगों को संतुष्ट कर देती है। नंबर दस, पतिव्रता स्त्री के पुण्य पिता, माता और पति के कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। नंबर ग्यारह, पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का कभी आदर नहीं करना चाहिए, कभी अकेले नहीं खड़ा रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।